हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड सौराड़ बाबा रामदेव जी के दरबार में उमड़ा जन सैलाब। सोजत रोड के समीप सौराड़ में गेनाराम जी महाराज के जीवित समाधि स्थल पर लोक देवता बाबा रामदेव जी का 134वां ऐतिहासिक मेला भरा गया। पुजारी माणकलाल प्रजापत ने बताया कि मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर नारियल और प्रसाद चढ़ाकर मनोकामना मांगी। मेले में अनेक रंग बिरंगी दुकानें, फैंसी दुकानें, पानी पतासा, फोटो फ्रेम, मिठाइयां और अन्य दुकानों का ग्रामीणों और भक्तों ने आनंद लिया और दिन में विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए बाबा रामदेव जी के मंदिर ढोल नगाड़ा बैंड बाजा नगाड़ों के साथ मंदिर प्रांगण में पहुंची, जिसका मंदिर पुजारी परिवार द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मुख्य ध्वजा भोलाराम भोपा जी और अन्य ध्वजा प्रेमाराम जोधपुर द्वारा चढ़ाई गई। पूर्व भजन संध्या में अनेक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई। हेमराज गोयल में बाबा का घोर लियो और अन्य भजन गाकर भक्तों को भोर तक मधुर भजन स्वर लहरियों से बांधे रखा और मुकेश नायक ने मारे गेना बाबा रे दरबार जोता जागी रे और अन्य भजन गाकर आनंद में भोर कर दिया और पुजारी परिवार ने इंदौर जोधपुर ब्यावर अजमेर मेड़ता नाड़ोल पूना पाली डांगियावास और अन्य जगह से आए भक्तों का स्वागत किया गया। भजन संध्या में मुख्य आकर्षक राजस्थान के सुप्रसिद्ध अभिनेता चिंटू प्रजापत रीता शर्मा और प्रेम गोस्वामी आदि रहे। भक्तों के लिए रात और दिन में प्रसादी का कार्यक्रम रहा, जिसमें आने वाले मेले की प्रसादी के लाभार्थी की घोषणा नारायण भटुजा वाले की ओर से होगा, जिसका बहुमान किया गया, जिसमें भनाराम नारायण लाल शिवलाल हेमाराम उपस्थित थे। सोजत रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।